पाकिस्तान में एक तरफ सैलाब ने तबाही मचा रखी है तो दूसरी जानब शाख खर्चियाँ हुक्मरानों की बेहिसी दिखा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गए तो मलिका एलिजाबेथ के आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए थे लेकिन लगे हाथों भाई से भी मुलाकात कर ली। सियासी गुफ्तगू में पंजाब में हुकूमत की तब्दीली, सियासी अमूर समेत सैलाब से मुतल्लिक बातचीत हुई। सैलाब मुतासरीन बिलख रहे हैं, हुक्मरान अय्याशियां कर रहे हैं, कौम के दुखों का मदावा करने के बजाय वज़ीर आज़म की सरकारी खर्च पर लंदन में सियासी मुलाकातें। बड़े भाई नवाज शरीफ से आरामदा सोफों पर बैठकर सैलाब से तबाही की दास्तान बताई। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में इंतखाबात वक्त पर कराने पर इत्तेफाक किया गया। पंजाब में वज़ीर आला की तब्दीली के बाद हमजा शहबाज और दीगर नामों पर गौर किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 3.5 घंटे तक मुलाकात जारी रही। इस दौरान खाने पीने का सामान भी आता रहा। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में वज़ीर आज़म सैलाब मुतासरीन को याद करने लगे, कहा बहाली के लिए काम कर रहे हैं। हमारे जो ब्रदर ममालिक हैं उनकी पूरा तावन जारी है और उनके जहाज, हवाई जहाज, बहरी अपना ट्रेन आ रही हैं, बहरी जहाज में भी सामान आ रहा है और पाकिस्तान के अवाम भी दिल खोल कर अतियात दे रहे हैं। मरियम औरंगजेब लंदन में रिवायती जहर उगलना ना भूली। उनको ना कोई गरज है कि आवाम इस वक्त सैलाब में डूबी हुई है, वो अपनी अना में, अपने तकब्बुर में, अपनी झूठी सियासत में, अपनी मुनाफकत में इक़्तदार नहीं है तो पाकिस्तान को आग लगा दो खुदा ना खास्ता। ना कोई सैलाब की फिक्र है, हेलीकॉप्टर उनके पास खैबर पख्तूनख्वा का और पंजाब हुकूमत के अब रिसोर्स हैं, उनको लेकर वो एक जगह से दूसरी जगह उड़े होते हैं। हकीकी आज़ादी ऐसे शख्स को सिर्फ अपनी अना और तकब्बुर से चाहिए, जो कि मुश्किल है। बेबस आवाम के बेहस हुक्मरान सरकारी खर्चे पर नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद महंगे तरीन होटल में क्याम के लिए चले गए। शहबाज शरीफ ने मलिका एलिजाबेथ की आखिरी रसूमात में भी शिरकत की। मैं हूं इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज। इमरान रियाज खान साहब जो है वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।